हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है कराची से आवाज है। जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं सब कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ। फरमाए, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था, मैंने एक डेढ़ महीना पहले भी आपसे पूछा था कि मेरा एक भैंस काली सुई थी, तो रात में यानी उसने बच्चा दे दिया था, तो बच्चा शायद गिर गया था। जब से दूध पीता है तो खांसता है, अच्छा, पी नहीं पाता, पी नहीं पाता, तो तब से उसको ये प्रॉब्लम चल रही है और अब वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ओहो। अब वो जैसे यानी सुबह में जब मैंने उसको दूध पिलाया तो पूरा दिन फिर उसी तरह वो खांसता रहता है। और है ये भैंस का बच्चा है या गाय का? भैंस का बच्चा है। भैंस का बच्चा है। और इस तरह करें ना, एक खुद ही घर पे बना लेंगे वो सेलाइन लेक्चरी। आप बता दें, बता दें, सेल, बता दें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? क्या वो आप लिखें सेलाइन लेक्चरी, सेलाइन SALINE, सेलाइन लेक्चरी ALECTRY। लेक्चरी आगे लिखें डॉक्टर अशरफ साहिबजादा। इसमें मेरी जान मैंने बताया हुआ है कि कितनी आपने मलट्ठी लेनी है, कितनी इसमें आपने अलसी लेनी है, कितनी कौन कौन सी चीजें, गुड़ कितना लेना है, वो सारी का एक बहुत प्यारी सी इसके लिए एक चटनी सी बन जाएगी, माजून सी बन जाएगी, समझ गए? तो ये इसको चटानी है, थोड़ी थोड़ी करके देनी है। खांसी भी वो कहते हैं ना, गोली अंदर दम जलंधर, खांसी जलंधर, तो वो खांसी इंशाल्लाह ताला अंदर, और वो आप देखेंगे खांसी भी ठीक हो जाएगी। ये दवाई सेलाइन लेक्चरी इसको देते जाएं, ठीक है? और दूसरा ये है कि दूध खुद पिला रहे हैं इसको या ये खुद ही पीता है? नहीं, पिलाते हैं। अच्छा, बिल्कुल मुंह मारता है उधर जाए, उसके नीचे छोड़ते हैं उसको? हाँ बिल्कुल, भैंस के नीचे तेजी से, बिल्कुल दूध तो ऐसे लपकता है, अच्छी तरह से पीता है, तो भी है। जब दूध पीता है तो माँ का जब दूध पीता है उस वक्त खांसी होती है या आप पिलाते हैं तो खांसी होती है? नहीं, दोनों टाइम, कभी भी अगर माँ के ऊपर भी छोड़े ना तो थोड़ा दूध पिएगा तो खांसने लगेगा। अच्छा, चले सेलाइन लेक्चरी एक नंबर वन। नंबर टू इसका देखें, गले में कोई थोड़ी सी कोई सोजिश तो नहीं है? ठीक है, जरा हाथ लगा के ना टच करके देखें, अगर थोड़ी सी फूली भी तो नहीं है? कई दफा आयोडीन की कमी से भी ये मैंने नोट किया है के उनके गले में, गले में खास तौर पे गले, फिर वो उनको ना दूध निकलने में खाने में दुश्वारी होती है, एक ये भी नोट किया मैंने। और वो फिर आयोडीन मिला नमक वो इसको देते हैं, किसी पानी में घोल के दे दें या भले वैसे दे दें, तो ये करते हैं। लेकिन है कि सेलाइन लेक्चरी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस, ठीक है, कॉफ के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। जी फरमाए। जो वीनिंग है कस्टमर के, वो मैं ये जो उनके लिए कॉफ के लिए जी मैंने खुद से तैयार की हुई है, आपको पूरा फॉर्मूला। वेरी गुड। मेरी जो भी 8-10 जो भी मेरे हैं कट्टे और बच्चियां हैं जो भी हैं वो सारे खाते हैं। वेरी गुड। मैं वही 8-10 दिन से वो लग जाते हैं और बहुत ज्यादा मकदार में खाते हैं। वेरी गुड। लेकिन ये जो जो खांसता है ना, ये डेढ़ महीने का हो गया, अभी तक मुंह मारता है, तो मतलब मुंह मारेगा फिर खाता ही नहीं। हाँ नहीं, इसको थोड़ा सा ये इसका गला का जब ठीक हो जाएगा ना, फिर ये मुंह भी मारेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रीन फॉडर पे लेके आना है। अभी वो जो वीनिंग वंडा है वो बेशक अभी थोड़ा बहुत थोड़ा सा रखना है इसके सामने, वो करेगा, लेकिन ना ज्यादा इसको ग्रीन फॉडर वो खाएगा, वो भी नरम, और वो देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो खाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है डॉक्टर। ओके, बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।